एक बूढ़ी माँ की तीन बातें आपकी सारी मुश्किलें हर लेंगी, आपके सारे दुख दूर कर देंगी। प्रिय बंधु, ये तीन बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक देश का राजा बड़ा ही असभ्य, संस्कारहीन और निर्दयी था। उसने अपने राज्य में एक कानून लागू कर दिया था कि जिनके माता पिता की आयु 70 वर्ष पूरी हो जाए वे अपने वृद्ध माता पिता का बोझ नहीं ढोएं, बल्कि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। जितना समय तुम उन वृद्धों की सेवा में नष्ट करोगे उतना समय धन कमाने में लगाओ, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और देश की उन्नति भी होगी। बूढ़े माँ बाप तो वैसे भी मर ही जाएंगे, थोड़ा पहले मर जाएंगे तो और अच्छी बात है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, राजा के आदेश अनुसार प्रजा के लोग डर के मारे 70 साल से ऊपर की आयु वाले माता पिता को जंगल में छोड़ने जाने लगे। उनमें से एक लड़का अपनी बुजुर्ग मां को अपने कंधे पर बिठाकर जंगल में छोड़ने जा रहा था। लड़के की बूढ़ी मां उसके कंधे पर बैठी हुई रास्ते में जितनी झाड़ियां पड़ी उन झाड़ियों से लकड़ी तोड़कर रास्ते में डालती हुई जा रही थी। लड़के ने पूछा, मां तुम ये पेड़ पौधों की लताएं तोड़ तोड़ कर नीचे क्यों डालती जा रही हो? तब बड़े स्नेह के साथ मां कहती है, बेटा मैं ये लकड़ियां इसलिए तोड़कर नीचे गिराती हूं ताकि जब तुम मुझे छोड़कर वापस लौटो तो रास्ता ना भटक जाओ। तुम इन लकड़ियों को देखते हुए आसानी से सही सलामत घर पहुंच जाओगे। प्रिय बंधु, मां की बात सुनकर लड़के का गला रुंधाया। वो भावुक होकर सोचने लगा कि मेरी मां को पता है कि मैं उसे जंगल में छोड़ने जा रहा हूं, फिर भी उसे मेरी फिक्र हो रही है। मैं उसे मौत के मुंह में मरने और पिसने के लिए छोड़ने जा रहा हूं और वो मुझ पर अपनी ममता का प्रेम बरसा रही है। वो स्वयं दुख उठाकर भी मुझे सुखी देखना चाहती है। ऐसी मां जिसे बच्चे के हर दुख के बारे में पता है, भगवान से भी बढ़कर जिसका दर्जा है, ऐसी मां का मैं अब त्याग नहीं करूंगा, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। धन्य है मां, वास्तव में अपनी संतान का सुरक्षा कवच होती है। वो लड़का अपनी मां को जंगल में छोड़ने की बजाय अपने घर वापस लौटा लाया और अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसमें गुफा बनाकर मां को छुपाकर रखने लगा ताकि किसी को इस बात का पता न चल सके। अब तो वो रोज अपनी मां को गुफा में ही भोजन पानी देता है, रोज उनकी सेवा करता है। इस प्रकार राजा की दृष्टि बचाकर वो अपनी मां को रखता था। प्रिय बंधु, एक बार दूसरे देश के राजा ने उस देश पर चढ़ाई कर दी तो आक्रमण करने वाले देश के राजा ने यहां के राजा को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। आक्रमणकारी राजा को जब पिछले राजा की इस कानून का पता चला कि पहले वाले राजा के आदेश अनुसार यहां की प्रजा अपने बूढ़े माता पिता को जंगल में छोड़ने जाती है, तो उसने यहां की प्रजा से कहा कि देखो, यदि आपने हमारे दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो यह कानून मैं खत्म कर दूंगा और किसी को कोई सजा नहीं होगी। पहला प्रश्न है कि एक गागर में एक बड़ा सा कद्दू डालकर दिखाओ। प्रिय बंधु, राजा की यह शर्त जब उस लड़के ने सुनी तो वो उसकी चर्चा अपने मां के सामने कर रहा था। मां कहने लगी, बेटा राजा की इस शर्त को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है, एक बेल पर लगा हुआ छोटा सा कद्दू गागर में रख दू, धीरे धीरे 10-5 दिनों में वो कद्दू बड़ा हो जाएगा और गागर भर जाएगी, फिर उस गागर को ले जाकर राजा को दिखा देना। मित्रों, अब तो जैसा बूढ़ी मां ने बताया था लड़के ने वैसा ही किया, छोटे से कद्दू को गागर में डालकर उसे बड़ा किया और गागर ले जाकर राजा के आगे रख दी। गागर के अंदर बड़े से कद्दू को देखकर राजा ताज्जुब में पड़ गया। फिर राजा ने अपना दूसरा प्रश्न किया। राजा ने दो गायें एक जैसी मंगाई और पास पास में खड़ी कर दी और कहा कि जो कोई यह बताएगा कि इनमें से कौन सी गाय माता है और कौन सी बेटी है तो उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। राजा की दूसरी शर्त सुनकर लड़का फिर अपनी बूढ़ी मां के पास पहुंचा और राजा की शर्त को सुनाया। मां ने बताया, बेटी दोनों गायों को भूख लगने पर उनके आगे घास डाल दो, जो गाय मां होगी वो घास तब तक नहीं खाएगी
जब तक उसकी बेटी घास नहीं खाएगी। हर माँ अपने बच्चों को खिलाकर ही स्वयं खाती है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। यही माँ की खासियत होती है। यदि भोजन थोड़ा है तो स्वयं भूखी रह लेगी, पर बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। बच्चों को तृप्त होने पर माँ स्वयं तृप्त हो जाती है। प्रिय बंधु, अब वो लड़का राजा के पास पहुंचा और दोनों गायों के आगे घास रख दी। उन दोनों गायों में जो गाय पहले घास खाने लगी, लड़के ने राजा को बताया कि यही गाय बेटी है और जो घास नहीं खा रही है वो गाय मां है। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने लड़के से पूछा कि इन दोनों समस्याओं का समाधान तुम्हें किसने बताया? लड़का बोला, महाराज यदि आप जान बख्शें तो मैं बताऊं। राजा ने लड़के को अभयदान देने का वचन दिया। तब लड़का कहता है, हे महाराज, मैंने राजा की कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी बूढ़ी मां को जंगल में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने घर में ही एक गुफा बनाकर छुपा कर रखने लगा। मेरी मां ने ही आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। मित्रों, बूढ़ी मां की बुद्धिमत्ता देखकर राजा ने सोचा कि मनुष्य का महत्व वृद्ध होने पर भी कम नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं वो बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो वृद्ध हो चुके हैं या वृद्ध होने वाले हैं कि वे अपनी उपयोगिता अपने अंदर बनाकर रखें, जिससे परिवार को आपकी आवश्यकता पड़ती रहे, तभी वे आपकी मृत्यु तक कद्र करेंगे। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इसे जब तक आपसे कुछ लाभ दिखाई नहीं देता तब तक ये आपको नहीं पूछती। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने काम से अपने आप को इतना कीमती बना दे कि बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत ना घटे, बूढ़ा होने पर भी उसकी उपयोगिता सिद्ध होती रहे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस जमा करके रख लेते हैं, वही पैसा उनकी दवा गोली में बहुत काम आता है और परिवार भी उस पैसे के लालच में उनकी देखभाल करता रहता है। कहते हैं, मनुष्य को बुरे वक्त के लिए अपने पास कोई ना कोई कीमती वस्तु जरूर रखनी चाहिए, ताकि बुरे समय में वो आपके काम आ सके, आपकी परेशानी उससे कुछ कम हो सके। प्रिय मित्रों, जो संतानें सुलक्षणी होती हैं, जिन्हें अपने बुजुर्गों का महत्व पता है, वे तो बिना किसी लोभ लालच के भी अपने वृद्धजनों की सेवा करते हैं। पर जो कपूत होते हैं, वे बिना किसी लोभ लालच के अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं। ऐसी कुलक्षणी संतानों के कारण ही आजकल ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि बूढ़े होने पर उनके बेटा बेटी उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें घर से निकालकर बाहर कर दिया जाता है। बहुत से कलयुगी बेटे करोड़पति होने पर भी अपने वृद्ध माता को नहीं खिला पाते, वे उन्हें वृद्धाश्रम में अनाथ करके छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे दुष्ट संतानों के जीवन पर धिक्कार है, जो स्वयं को जीवन देने वाले का सहारा तक नहीं बनते। ऐसे लोग धरती पर सिर्फ अपनी मां की कोख में उसे कष्ट पहुंचाने के लिए, धरती पर बोझ बनने के लिए आते हैं। प्रिय बंधु, राजा ने तुरंत उस कानून को बदलकर यह आदेश जारी किया कि जिन जिन के माता पिता जंगल में हैं, वे अपने वृद्धजनों को घर ले आए। अब कोई भी व्यक्ति अपने वृद्धजनों को जंगल में नहीं छोड़ेगा, सभी लोग आज से वृद्धजनों की सेवा करेंगे। कहते हैं, हमारे घर के बड़े लोग हमारे मार्गदर्शक होते हैं। घर, परिवार, समाज और देश के लिए बुजुर्गों का अनुभव बहुत काम आता है। वे हमारे लिए भार नहीं है, बल्कि पतवार हैं, जो हमारी जीवन नैया को संकट में भी बड़ी आसानी से पार लगा सकते हैं। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उनकी सेवा करें और हर काम के लिए उनसे सलाह लें। मुझे उम्मीद है कि यह प्रसंग आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। मित्रों, मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।